अस्सलामुअलैकुम टुगेदर गेम प्लेयर वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं अपनी मज़ेदार गेम। सो खेलो, देखो एंड एंजॉय करो। ये देखो, ये हमारी येलो वाली कार, ये वही कार है लेकिन मैंने उसका पहले ब्लैक कलर करवाया था। सो मैं पार्क करके आपको दिखाता हूँ कैसी लगती है ये कार। एकदम पार्क हुई हुई थी, बंदे तो मरते हैं बार बार, हर बंदा चोर आ जाता है यहाँ पे, खड़ा हो जाता है। ओप यार, गाड़ी ठीक करवानी पड़ेगी, ना ठीक करवाई चोर एक भी नहीं आएगा। देखो आगे से फूटी ना, देखो उससे ऊपर जा रही नहीं स्पीड, कुछ अब करना पड़ेगा। सो अब हमारे से बहुत दूर है लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा। सो अब क्या करेंगे, ऊपर से आएंगे ना, मुझे पता है रास्ता सारा याद है मुझे अभी तक। एक मिनट अंकल जी, गुस्सा इतना क्यों कर रहे हो, बताए लक कर रहे हैं मेरे साथ। अरे रख, थोड़ा नक्शा भी देख लेते हैं ना, हम इस वाले में चले जाते हैं। ये पास किया थोड़ा, अभी मैंने वहाँ पर पास में कनिंग करना है कार, तो एकदम बंदे मरेंगे उसके ऊपर, मरेंगे हर बंदा आके कहता है भी कोई। सो अलार्म हमारा बज रहा था, सो आज मैं जल्दी उठ गया था, इस वजह से अलार्म बज रहा है अभी तक, अभी बजे। सो टाइम हो चुका है, तो अब हम ऊपर से एक काम करते हैं, थोड़ी फ्लैश बढ़ा लेते हैं एंड रिवर्स करेंगे। एंड कई लोग कहते हैं कि भाई आप कोई लैम्बोर्गिनी नहीं ले रहे, आपने बोला था कि लैम्बोर्गिनी लूँगा तो लैम्बोर्गिनी नहीं ली आप लोगों ने आपने। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे पास इतने पैसे ही कोई नहीं है, पहले मैं इसलिए बोल रहा था, पहले मेरे पास पैसे थे, इस कार को मैंने इतना रिपेयर थिंग किया है कि उस वजह से ना मेरे पास पैसे कम पड़ गए। अब तो मेरे पास एक रुपया भाई जान, मैं क्या बोलूँ, क्या ये बंदा बोले, इतना मुश्किल से मैंने ये इस कार को के लिए तो इतनी मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि ये थी 5 करोड़ 10 करोड़ की थी, तो बड़ा मुझे दिक्कत पड़ी थी। तो फिर पता चला ये तो 5 करोड़ की, जैसे ही मुझे पता चलता गया मैंने उस कार ही भगा ली। मैंने कहा एक सेकंड में 5 करोड़ तो हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त मैंने एक दो डाके डाले हुए थे, तो अब डाके डालने का दिल कर रहा है दुकान में डाका डालूँ, लेकिन इस कार से नहीं डालूँगा। इस कार से अगर मैंने डाला तो इस पर डेंट पड़े आ जाएंगे, और आप लोगों को तो पता ही है डेंट जब आ जाए तो फ़ायदा नहीं होता कार का। तो वो पार्किंग थी हाँ, वो पीछे रह गई है, तो मैं तो इस कार को नहीं लेके जाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ना अगर इस कार को ले गया मैं और आगे से वो पुलिस का छापा रेट पड़ गई वहाँ पे, तो ये तो फिर भाई मसला बन जाएगा मेरे लिए। तो मैं तो अब वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी कार एकदम न्यू है। सो अगर इसको अगर कोई भी डेंट पड़ता है तो यह पुरानी कार तो नहीं है ना भाई, जिसको डेंट पड़ जाए तो हम कुछ ना करें। देखो ये कार एकदम खड़ी है ना, बाकी कार से कैसे एकदम प्रोफेशनल न्यू कार एकदम है ये मेरी कार, इसकी स्पीड्स बड़ी ज़्यादा है। सो हम किसी दूसरी कार को लेके जाएंगे जो स्पीड्स में हो, लेकिन दिल कर रहा है इसको ले जाऊँ, इसको अगर मैं ले गया तो एक दो डेंट तो पड़ेगा ही। सो अब कुछ करते हैं, सोचता हूँ मैं कुछ करते हैं, तो अब तक हम घूमते हैं नहीं, घूम लेते हैं थोड़ा। हाँ मैंने सोच लिया इस कार को ही लेके जाता हूँ, अब किसी भी दुकान पे रेट मारूँगा जो के गांव में, और गांव में कम छापे पड़ते हैं तो गांव में लेके जाऊँगा, और गांव में इस कार को देख के बंदे आराम से ज़रूर रह जाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। ये दिक्कत है, यहाँ से पेट्रोल भरवा लेते हैं क्योंकि हमारे से गाँव बहुत दूर है, सिटी से पता है लोगों को कितना दूर होता है मेरा गाँव। तो इधर भी मैं डाल सकता था डाका, लेकिन नहीं मैंने यहाँ पर डाला, इसलिए नहीं डाला कि अगर मैं डाल लेता ना तो
तो एकदम यार, मतलब यहाँ पे डाका में डाल देता तो मुझे मसला पड़ता था, क्योंकि ये तो है ही सिटी, सिटी में आ लोगों को पता है कि फिर क्या हालात होते हैं। यहाँ पे तो 1 सेकंड में पुलिस पहुँचती है सीधा, और एकदम उनको इनको पैसे दो ना तो ये तो कहते हैं भाई हमारे पे और केस कर देते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं करते। और ये तो है ही इंग्लैंड, इंग्लैंड में तो ऐसा होता नहीं है, सो गांव में हम जा के करेंगे और इन गांव में बड़ा मज़ा आने वाला है। सो चलते हैं अब गांव में, गांव सीधा यहाँ से बड़ा दूर है, सो गांव हमारे से अभी बड़ा दूर है। अभी हमें बहुत सीधा चलते हैं, सीधे सीधे बहुत ज़्यादा सीधा चलते जाना है, एंड उधर से बिल्कुल मुड़ना नहीं है, कहीं भी मुड़ना नहीं है, बिल्कुल हम सीधा जाते जाएंगे ना तो स्पीड उसकी ज़्यादा रहती है। तो अंदर हम कैमरा कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम कैमरा बाहर रखेंगे तो ये जो लोग हैं ये आजकल के नज़र डालते हैं। और यहाँ पे ये पूरा आर्मी के अंडर है, आर्मी बिल्कुल यहाँ से एक बूंद दूर होती है, ये जो ऊपर देख रहे हैं ट्रम ट्रम, यहाँ पे अगर कोई चोरी हो जाए और यहाँ से बंदा भाग रहा हो, क्योंकि आगे ही भागना है पीछे तो भागे, या नहीं पीछे भागा तो आगे पुलिस खड़ी होती है, तो बंदों को कई बंदों को पता होता है ना। तो मैं जी पता था, तो देखो मैंने इसलिए यहाँ पे ब्रेक्स मारी क्योंकि आगे से हमेशा पुलिस की कार आती है, लेकिन अभी कार भी ठुकी नहीं, भी ठुकी नहीं है। तो ये होता है पुलिस हमेशा आगे से, यहाँ से मुड़ता जाता तो आगे से पुलिस आती है, तेज़ स्पीड वाला और ड्रम छोड़ देती है। और मैंने ये कई दफ़ा देखा है कि ये जो ये इलाका है ना ये आर्मी के अंडर नहीं होता, कभी कभी तो पुलिस के अंडर होता है, तो जब पुलिस के अंडर होता है तब तो फ़ायदे ही फायदे हैं अपने, पुलिस पीछे पड़ जाती है तो पुलिस को 2 सेकंड में कार पे ठोकर मारो हो गई काम से। आर्मी के ड्रम आते हैं इतने बड़े बड़े, तो ड्रम को तो मारोगे तो हम ही मरेंगे, फ़ायदा नहीं है इसका। चलो लेकिन आज मैं डाकर डाक के रहूँगा, बेशक जो मर्जी हो जाए, पैसे बहुत कम पड़े, फिर अपनी कार की रिपेयर भी कराऊँगा, फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे कि क्या हमें और करना है। इस गाड़ी में बड़ी कुछ मैं करवाऊँगा, इस गाड़ी के अंदर मैं इस गाड़ी को आगे पे वजन डलवाऊँगा आगे, इससे वाला क्या होगा, इससे वाला क्या होगा, स्पीड कम रखेंगे हम, क्योंकि आगे से अचानक से रेट पड़ जाती है उसके लोगों की, पुलिस वालों की। और ब्रेक्स मार, रुक जा यहाँ पे 2 सेकंड गाड़ी रोकता हूँ, पार्क कर देता हूँ कि किसी को भी शक ना हो हमारे पे कि भई हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं। खैर इन लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारी कार ऐसी न्यू है ना, तो लगता नहीं है भाई चोर है, कई लोगों को लगता है क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पे ऐसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना सिटी में इधर, कि वो तो कहते हैं भाई ना, वो ये कहते हैं कि भाई ना भाई जो ज़्यादा पैसे जिसके पास होते हैं वो चोर होते हैं, तो उनके ये पता नहीं हम चोर ही हैं। सो कई लोगों को नहीं पता था, वो हम उनका फ़ायदा उठा जाते हैं, तो फिर उन लोगों का पता चलता है यहाँ पे असल ब्रेक्स मारने होते हैं। यहाँ पे जो बंदा है ना, यहाँ पुलिस वाले खड़े होते हैं, हमेशा आर्मी खड़ी होती है, लेकिन अभी पुलिस हैं तो कोई नहीं है, पीछे पुलिस किसी तरह भी ना पड़े, अगर पड़ गई है ना, गांव की पुलिस होती है बड़ी हल्की हल्की, मैं उसको मान दो तीन लात मारे वो गई काम से। तो ये पुलिस यहाँ पे जो गांव में होते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर बंदे नहीं खड़े होते दुकानों पे, तो वहाँ पे तो खड़े होते हैं लेकिन अनविजिबल होते हैं, और आर्मी होती है वहाँ पे अनविजिबल, उन्होंने क्या किया था एक बटन लगाया होता है, तो यहाँ पे असल में नहीं होते, यहाँ पे विजिबल क्या अनविजिबल नहीं होते, यहाँ पे अनविजिबल गांव में इसलिए नहीं होते क्योंकि ना उनके पास गांव वालों के पास इतनी ऐसी इंटेलिजेंट नहीं होती, इस वजह से सो हम गांव में ही डेट मारते हैं ताकि किसी को भी शक ना पड़े अपने पे, और अगर शक पड़ गया फिर तो बच्चे भाई वो यहाँ पे आर्मी खड़ी है। हाँ गांव शुरू हो गया, देखो गांव शुरू हो चुका है, देखो गांव में ये होता है ट्रेन पे ना डालें छापा,
ट्रेन ना में उड़ा के अगली छत के नीचे फेंकना है। सो इसलिए हम ट्रेन पे नहीं डालते जा पाए। ये इस दुकान में मारता हूँ, इस दुकान में अच्छा अच्छा यहाँ से हम अंदर गाड़ी खड़ी करके आएंगे कि किसी को भी शक ना पड़े। चुप न बे, हम इस जगह पे पार्क करेंगे क्योंकि जब रिवर्स करना होगा, जब हमें भागना होगा तो हम आगे से भाग जाएंगे। ओहो डेट डाल थोड़ी देर लगी। सुनो चलो 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 यार प्लान के मुताबिक नहीं चला क्योंकि इस ये पुलिस हमें जानती है, तो अगर इसने देख लिया तो ये तो हमें बी मार देगा। देखो पार पुलिस खड़ी है यार, पुलिस की कार खड़ी है, अब क्या करें हम लोग यार। पुलिस नहीं बैठी हुई, अब तीन चार बंदे बैठे हैं यार। शेट कुछ करना पड़ेगा। हाँ एक काम ना करें, जब तक ये चाय पानी पियेंगे हम तो यहाँ से जाएंगे उनकी कार ख़राब कर देंगे, फिर वो जैसे कार में बैठेंगे तो वो आगे चल जाएंगे। लेकिन हमारे पास एलिन रैंच नहीं, एलिन रैंच अच्छा होता ना तो यार बड़ा काम बन जाना था। तो इस दुकान पे हमें नहीं मारना पड़ेगा, नक्शा और देखते हैं कहीं आगे जाना पड़े। आगे भी है वहाँ पे, और आगे भी है, बहुत आगे भी है। सो चलो अब कार लेके यहाँ से निकल जाते हैं। अगर पुलिस वालों ने हमें एक दफ़े भी गलती से भी देख लिया ना, पुलिस वालों ने हमें गलती से भी देख लिया शाम तो गए। देखा तो नहीं। चलो यहाँ पे जाना है ना, चल फिर हो जाए शुरू। यार यहाँ पे बड़ा कर शुक्र है मैं पेट्रोल नहीं भरा लिया, ये भरवा लेते ना तो उसी पीछे से पुलिस आ जानी थी। हम अभी यहाँ से फुल स्पीड से निकल रहे हैं, ऐसा ना वो हमें देख जाए, भी फुल स्पीड से जा रहे दूर भी निकल। जी क्यों, क्या हुआ है? मामा दरवाज़ा बंद कर दें, इधर लाइए बंद भी खोल के दो, चले जाओ।